कराहल थाना प्रभारी राकेश शर्मा के सख्त हिदायत स्मैक और अन्य नशे के माफिया या तो ये अवैध धंधा छोड़ दें या कराहल छोड़ दें। खबर कराहल से है, जहां कराहल के सामाजिक लोगों ने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया है और लगातार स्मैक के खिलाफ आवेदन SDM और कराहल थाना प्रभारी को देते आए हैं। इसी नशे के विरोध करने के चलते कराहल में सोने राम तिवारी के घर में घुसकर भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और शेष आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस ने अब नशेड़ियों और नशे के सौदागरों पर प्रकरण दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, जो ग्रामवासियों द्वारा स्मैक के नशे के खिलाफ जो आवेदन दिए गए, जो अभी ये घटना घटित हुई थी 2 दिन पहले, उसमें सर क्या कार्रवाई सर आपके द्वारा की गई है? देखिए, कुछ समय पूर्व हमारे को यहाँ पर तहसील में करीब 50-60 लोगों ने उपस्थित होकर, जो कि कराहल के निवासी थे, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि यहाँ पर नशे की लत बढ़ती जा रही है और स्मैक का कारोबार बढ़ रहा है। उस ज्ञापन के साथ हमने जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं राकेश शर्मा जी, और उनको निर्देशित किया था, तो उन्होंने कार्रवाइयाँ भी करी हैं और अभी कुछ लोगों ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर उनकी कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की है। उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे वो लगभग सभी कराहल से जा चुके हैं और इस तरीके की गतिविधियों में अब थोड़ा सा उनका रोक लगा है, तो इसमें निश्चित ही पुलिस ने एक अच्छी और सराहनीय कार्रवाई करी है। और क्या सर ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। सर, विगत दिनों सर घटना घटी है सर नशे को लेके, कुछ लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, तहसील में भी सर घेराव किया था, सर क्या कार्रवाई सर आपने सुनिश्चित की है सर? अभी ये परसों की घटना थी, जैसे माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम था, क्योंकि मैं थाने पे भी नहीं था और मुझे अभी पदस्थ हुए मात्र इस थाने में, अभी 15-20 दिन लगभग हुए हैं। तो जो है उस दिन जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनराम तिवारी, उनकी परिजन, उनके जो है घर की महिलाएं थीं, तो उनके घर पे जाके एक व्यक्ति था जो नशे का यहाँ पे पूर्व में भी नशे का कारोबार करता था, स्मैक वगैरह की उसकी शिकायतें भी थी, और वो और उसकी बहन और उसके साथ में 2 अन्य लोग सोनराम तिवारी के घर में गए, और चूँकि सोनराम तिवारी जो है वो नशे को लेके हमेशा जो है उसके विरुद्ध में उन्होंने जो है सक्रिय रहते हैं और अक्सर पुलिस को जो है मतलब जो है इसको लेके इसके खिलाफ रहते हैं, इस कारण से चूँकि उनको ऐसा लगा कि उनके द्वारा थाने पे लगातार शिकायतें की जा रही हैं, इस कारण से वो उनके घर पे मारपीट करने के लिए गए थे। पुलिस ने जो है उसमें FIR की, और FIR करने के उपरांत पुलिस ने उसमें जो है अजमानती धाराओं में धारा इजाफा करके उसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य 2 लोगों के लिए लगातार दबिश दे रहे हैं, वो अभी यहाँ से फरार हैं, उनको शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें भी माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इसमें एक जैसा सर भयंकर नशा है सर, अधिकतर कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है सर, कराल जैसे ब्लॉक में सर इस नशे ने कब से पैर पसार लिए, कब से ये धंधा सर यहाँ से चला रहा है? चूँकि ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से लगता है और इसका जो है राजस्थान से अक्सर लोग यहाँ पे लेके आते हैं, जिसका बहुत बड़ा जो हब है वो श्योपुर का बड़ौदा राड़ीब में बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी कर दिया इस नशे ने, और श्योपुर में काफ़ी क्षेत्रों में ये इसकी शिकायतें मिलती हैं, क्योंकि कराहल भी उससे अछूता नहीं है और लगभग 2-3 साल पूर्व से लोगों को इस नशे की जद में लोग आ गए हैं और इसको गिरफ्त में ले लिया है कराहल को। सर, आपने कराहल थाना जब से ज्वाइन करा किया है, जब से निरंतर इसमें जैसे नशे के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो कार्रवाई आगे चलेंगी क्या है? जो भी नशे का इस तरीके का कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए ये स्पष्ट निर्देश है और मेरी चेतावनी भी है कि वो या तो इस नशे से पूरी तरह दूर हो जाएं, नहीं उनको जो है उनके विरुद्ध सख्ती से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, भले ही उसको किसी भी तरीके का राजनीतिक संरक्षण हो। ये और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है, उन्हीं के निर्देशन में ये बिल्कुल इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, इस नेटवर्क को,
यहाँ पे कराल को नशा मुक्त घोषित किया जाएगा और यहाँ इस तरीके का कारोबार को यानी फलने फूलने दिया जाएगा। थाने में गए और थाने से बात लीक ना हो जाए और जो अपराधी हैं जो नशे का कारोबार करते हैं वो हम पर ही नहीं हमला ना कर दें, इसमें सर आप उनको क्या कहना चाहते हैं सर, क्या आपका संदेश है उन लोगों के लिए? बोलो बिल्कुल बिना किसी डर और भय के जो है सूचना पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9584709589। इस नंबर पे मुझे सूचना दें। मेरे एसपी साहब ने भी मोबाइल नंबर जो है ज़िले में सभी को दिया हुआ है, यदि नशे से संबंधित जो भी लोग सूचना देंगे उनका नाम किसी भी तरीके से जो उजागर नहीं किया जाएगा, उनका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और जो है जो भी मुखबिर की जो भी राशि होती है या शासन स्तर से वो उनको दिलवाई जाएगी।